Super ERP software. Check out super features of Super ERP. Super speedy billing system, super stock management, super accounting, super simple to operate, super secure software data backup, straight GST tax data filing, super scanning barcodes. Superload now your computer with Super ERP from billingsoftware.guru, a super site for all types of POS software. नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया हुआ है सुपर ईआरपी, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारे नए फीचर्स है और बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। तो जो रूटीन हमारे जो फीचर्स है उसको छोड़ के जो नए फीचर्स हमने ऐड किए हैं वो सब हम इस वीडियो के अंदर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो ये देखिए, यह डेस्कटॉप है। यहाँ पर यह सबसे बड़ा फीचर तो यही है कि ये मैंने सॉफ्टवेयर यहाँ पर यह सुपर ईआरपी को डबल क्लिक कर दिया तो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। यहां पर कंटिन्यू दबा दिया, सॉफ्टवेयर स्टार्ट हो गया। दोस्तों मैं इसको यहां पर स्क्रीन में ले आता हूं सबसे पहले। अब मैं मेरा सॉफ्टवेयर स्टार्ट करता हूं तो ये देखो इमीडिएटली स्टार्ट हो गया। डबल क्लिक करते ही ये लाइव दो इंटरफेस से बता रहे हैं कि भाई वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है और डेस्कटॉप भी बता रहा हूं, तो आपको पता चलेगा कि कितना फास्ट ये वर्किंग हो रहा है। मैंने यहां पर यूजर आईडी पासवर्ड डाल दिया। ये सॉफ्टवेयर है हमारा सुपर ईआरपी दोस्तों। ये हमारी वेबसाइट बिलिंग सॉफ्टवेयर डॉट गुरु के ऊपर से हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गई हमारी बिलिंग सॉफ्टवेयर डॉट गुरु वेबसाइट। यहां पर ये हमने सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर। ये सॉफ्टवेयर है जो हम यहां पर से ही डाउनलोड कर सकते हैं। इसके सब फीचर्स वगैरह भी दिए गए हैं। इसी सॉफ्टवेयर का यूजर मैनुअल यहां पर ये सुपर ईआरपी सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल के ऊपर क्लिक करने से पूरा मिल जाएगा कि पूरा सॉफ्टवेयर ऑपरेट कैसे करते हैं और उसके सभी फीचर्स यहां पर है। और यहां पर डाउनलोड बटन के ऊपर क्लिक करने से पूरा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है। ये दोनों फाइल हमको डाउनलोड कर लेनी है। पूरा वीडियो गाइड यहीं पर है कि कैसे डाउनलोड करना है, कैसे अपडेट करना है, और बाकी के टूल्स भी हमने यहीं पर रख दिए। सॉफ्टवेयर यूजर मैनुअल का लिंक भी यहां पर है। तो दोस्तों ये हो गया। अब हम सीधा सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाते हैं और इसके जो फीचर्स है वो हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर ये मास्टर के ऊपर क्लिक कर देंगे। दोस्तों ये अकाउंट मास्टर है। अकाउंट मास्टर में देखो लिस्ट ऑफ स्टेट, सिटी और एरिया, तो एरिया का भी मास्टर हमने बना दिया है। अब अकाउंट के अंदर चले जाते हैं, लिस्ट ऑफ अकाउंट। तो कोई भी अकाउंट को ढूंढने के लिए एसआई टाइप कर दिया तो ये देखो पूरा एसआई का लिस्ट आ गया। तो इस तरीके से हम यहां पर सर्च कर सकते हैं। ये देखो यहां पर F8 का बटन है, वो दबाने से सीधा लेजर यहां पर ही ओपन हो जाता है। सीधा ओपनिंग बैलेंस वगैरह यहां से दिखता है। तो ये एक फीचर हो गया। एंटर की की दबाने से, डबल क्लिक करने से अंदर चले जाते हैं। अब मैं दूसरा एक बढ़िया फीचर बताता हूं कि भाई हमको कभी कभी कस्टमर और सप्लायर के नाम एड्रेस टाइप करने में, जनरली होलसेल में B2B इनवॉइसेस जब बनते हैं तब बहुत टाइम लगता है। तो यहां पर हमने ये फीचर दिया हुआ है गेट ऑटो पार्टी डिटेल बाय GST नंबर। तो हमको बस यहां पर सिर्फ क्लिक कर देना है और पार्टी का GST नंबर टाइप करना है। जैसे ये मैंने मेरा GST नंबर टाइप कर दिया। अब मैं प्रेस कर रहा हूं एंटर की या यहां पर ये सर्च का बटन दबा दो, ये पूरी डिटेल यहां पर आ जाएगी। दोस्तों ये देखो पूरा लाइव चल रहा है, आप देख रहे हैं। ये डिटेल GSTIN की वेबसाइट पर से लेके आ गया। मनन एंटरप्राइज एड्रेस आ गया, मेरा नाम आ गया और मेरा GST नंबर भी आ गया। कॉम्पोजिशन डीलर है ये भी लिख के आ गया। तो इस तरीके से आपका काफी वक्त सेव होता है। आ जाने के बाद यहां पर सप्लायर है या कस्टमर है वो आपको खुद सिलेक्ट करके आपको सेव का बटन दबा देना है। अब हम देखते हैं यहां पर हमने मोबाइल ऐप भी दी हुई है। तो लेजर और स्टॉक ये दोनों आप फोन के अंदर देख सकते हैं। इसका अलग से वीडियो की लिंक हम ऊपर डाउनलोड लिंक आपको मिलेगी, वहां पर क्लिक करके आप ये मोबाइल ऐप कैसे ऑपरेट होगी वो भी देख सकते हैं। हालांकि मोबाइल ऐप का चार्ज पूरा अलग से रहता है, पर वो भी ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने लॉन्च किया हुआ है, जिसके अंदर लेजर और स्टॉक ये बेसिकली ये दो चीज इंपॉर्टेंट है जो आपको मिल जाएगी। अब हम चलते हैं आइटम मास्टर के अंदर। तो हमने आइटम के ऊपर क्लिक कर दिया।
आइटम के अंदर दोस्तों हम देखेंगे नया आइटम ही क्रिएट कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर ये डिस्काउंट परसेंटेज मिल जाएगा आपको, ये नया फील्ड है। तो यहाँ पर यदि कोई प्रोडक्ट के ऊपर फिक्स डिस्काउंट हर बार देते हैं तो हम मास्टर में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ये एक फीचर हो गया। यहाँ पर मैं टेस्ट डाल देता हूँ, ये एडिशनल डिटेल आ गई, यहाँ परचेज प्राइस डाल दिया, यहाँ पर सेल प्राइस और एमआरपी प्रॉफिट परसेंटेज रेशियो मार्जिन डाल के भी हम बना सकते हैं दोस्तों। उसका सेटिंग है ऑप्शंस के अंदर, वो हम डिटेल में आपको दिखाएंगे, पर ये फीचर भी यही सॉफ्टवेयर के अंदर अवेलेबल है। फिर आइटम लोकेशन का फील्ड हमने बनाया हुआ है, तो वो सब सेटिंग ये सॉफ्टवेयर के अंदर आइटम मास्टर में हमने अलग से रखा हुआ है। अब हम इसको बंद करते हैं, ट्रांजेक्शन के अंदर चले जाते हैं, सेल की विंडो के अंदर जाते हैं। सेल की विंडो के अंदर यहां पर आप देखोगे दोस्तों कि पूरे इनवॉइस के ऊपर डिस्काउंट हम एक साथ दे सकते हैं। जैसे कि मैं सिलेक्ट कर रहा हूं, कोई भी कस्टमर का नाम सिलेक्ट कर लिया, प्रोडक्ट का नाम सिलेक्ट कर लिया, दो तीन प्रोडक्ट एक साथ ले ली, दूसरा प्रोडक्ट ले लिया। अब मुझे सब प्रोडक्ट के ऊपर एक साथ डिस्काउंट देना है, तो मैं यहां पर से ही सीधा 10% डिस्काउंट दे सकता हूं। फिर दूसरा है मेरे पास अदर चार्जेस के लिए, दूसरा कॉलम था, मैंने अदर चार्जेस यहीं पर ले लिया है, तो मैं फ्रेट चार्जेस वगैरह मुझे लगाना है तो मैं यहीं पर से एडिशनल लगा सकता हूं। यहां पर ही हमने टेंडर का ऑप्शन भी दिया है कि यही इनवॉइस के अंदर कैश और क्रेडिट दो ही था। कस्टमर्स की ये रिक्वायरमेंट आती थी कि भाई यहां पर ये पूरे बिल के अंदर कस्टमर इमीडिएटली पैसे देके जाता है 10,000 और 9,000 बाकी रख के जाता है, तो वो स्प्लिट इनवॉइस कैसे बनाना, तो उसके लिए भी हमने यहां पर पेमेंट का ऑप्शन डाल दिया है दोस्तों। तो ये एक इसका बढ़िया फीचर है। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं, ऑटो ईमेल, तो ईमेल का कॉन्फ़िगरेशन भी हो जाता है। जैसे इनवॉइस सेव होगा वो पीडीएफ बना के पार्टी के ईमेल अकाउंट के अंदर सीधा चला जाएगा। उसके लिए हमने थर्ड पार्टी एडॉप्टेशन यहां पर डाला हुआ है, कंपनी इन्फो के अंदर ईमेल और पासवर्ड, यहां से वो सीधा चला जाता है। ये मैं लाइव करके दिखाऊंगा आपको, बैकअप वगैरह भी आपको करके दिखाऊंगा। ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग डिटेल, देखिए दोस्तों यहां पर टूल्स में ऑप्शन के अंदर हमने ये बनाया हुआ है, रिक्वायर शिपिंग डिटेल इन सेल्स, रिक्वायर ट्रांसपोर्ट डिटेल इन परचेज, फिर फ्री की क्वांटिटी चाहिए कि नहीं चाहिए, मेंटेन फ्री क्वांटिटी, जब टिक किया तो ही फ्री आता है, यदि फ्री यूज ही नहीं करने वाले तो हर बार वहां पर टिक मार क्यों करना। तो ये सब फीचर्स हमने ऐड किए हुए हैं ये सॉफ्टवेयर में। अब मैं यहां सेल में जाऊंगा तो मुझे ट्रांसपोर्ट की डिटेल भी पूछेगा सॉफ्टवेयर, और ये शिपिंग डिटेल भी पूछ रहा है, देखो पूरा अलग से, और ट्रांसपोर्ट की डिटेल भी आ जाती है, नरेशन भी आ जाता है, तो ये सब चीजें हो जाती है। मोबाइल आइटम नेम वाइज सर्च, समझो कि मैंने स्टार बटन दबा दिया और चार्जेस लिखा, तो ये देखो ये सिर्फ चार्जेस से भी ये पकड़ लेता है। तो ये मोबाइल आइटम नेम सर्च भी यही फील्ड के अंदर हमने डाल दिया है दोस्तों। सेल्समैन का सिलेक्शन है, एजेंट नेम सिलेक्शन इन क्विक रिसीव, मतलब कि बिल के अंदर तो आप एजेंट का नाम या सेल्समैन का नाम सिलेक्ट कर ही सकते हो, वो बिल का जब पेमेंट आता है तब भी सिलेक्शन का ऑप्शन ये सॉफ्टवेयर के अंदर हमने डाला हुआ है। अब हम चलते हैं ई बिल, अल्टर एक्स इन परचेज, तो ई बिल भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। हम जब परचेज में चले जाते हैं और कोई भी डिटेल ले लेते हैं तो यहां पर ये हम अल्टर एक्स दबाने से, तो दोस्तों यहां पर ये बिल नंबर के ऊपर कर्सर है, मैंने अल्टर एक्स दबा दिया तो इसकी फाइल एक नंबर में जनरेट हो जाती है जो सेल्स इनवॉइस के अंदर सीधा इंपोर्ट हो जाता है। तो समझो दो कस्टमर या सप्लायर दोनों सेम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो इनवॉइस की एंट्री भी नहीं करनी पड़ती, वो भी ये फीचर है। इसको हम डिटेल में वीडियो के लिंक के अंदर देंगे दोस्तों आपको। इसके बाद आगे चलते हैं पॉइंट ऑफ सेल। अब ये रेगुलर पॉइंट ऑफ सेल तो है ही हमारे पास कि यहां पर हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लिया और एंट्री कर दी, और यहां पर ये देखो ये प्लस का बटन हमने दिया हुआ है, जहां पर ये कैश कार्ड और ई वॉलेट का रेडियो बटन दबाया है। हर बार यहां पर हमको अमाउंट टाइप करनी पड़ती थी पुराने सॉफ्टवेयर में, तो यहां पर ये एक रेडियो बटन, ये एक हमने नया फीचर डाला है पीओएस के अंदर। और यहां पर ये होल्ड वाला बटन है, तो ये इनवॉइस को हम होल्ड भी कर सकते हैं, ये भी एक फीचर हमने पीओएस में नया डाला है। अब
कई कस्टमर्स के यहाँ ऐसा होता है कि प्रोडक्ट बहुत कम रहती है, बारकोडिंग से इनवॉइसिंग करना जरूरी नहीं रहता, तो टच पीओएस भी यही बिलिंग स्क्रीन कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ टूल्स के अंदर हमने फीचर्स के अंदर टच पीओएस बनाया हुआ है, तो आप देखोगे दोस्तों कि यहाँ पर पीओएस की जगह टच पीओएस हो गया। तो मैं अभी यही प्रोडक्ट में इस तरीके से सिलेक्ट कर सकता हूं, ये देखो, इस तरीके से आ जाता है। ये पूरा टच पैनल है, यहां पर क्वांटिटी मुझे ऐड करनी है, लेस करनी है, मैं इजीली कर सकता हूं, रेट चेंज कर सकता हूं, आइटम रिमूव कर सकता हूं। तो ये हो गया हमारा टच पीओएस। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फीचर है। कोटेशन के लिए हमने एक अलग से स्क्रीन बना दी है कि भाई कोटेशन में क्या होता है कि भाई हर बार आइटम आपने सेव नहीं की रहती है, लेकिन काफी सारा डिस्क्रिप्शन डालना पड़ता है, तो आप ऐसे ही यहां पर डायरेक्टली टाइप कर दो, ये रिमार्क में कुछ भी डिटेल टाइप कर दो, क्वांटिटी डाल दो, जो भी रेट डालना है डाल दो, तो ये अपने आप ये कोटेशन बना लेगा। टर्म्स एंड कंडीशन है और पर्टिकुलर्स के अंदर एक्स्ट्रा चार्जेस भी हमने डाला हुआ है। तो ये कोटेशन की भी हमने स्क्रीन एक इस सॉफ्टवेयर के अंदर नई बनाई है, जो हम अब तक सेल्स ऑर्डर के अंदर यूज किया करते थे। रिपोर्ट्स के अंदर चले जाते हैं, कैश बुक समरी, ये एक नया रिपोर्ट है। यहां पर ये पूरा डिटेल आ जाता है कि भाई एक तारीख से लेकर के 4-10 तारीख तक कितना कैश हुआ है, पेमेंट कितना है, क्लोजिंग कितना है और रिसिप्ट कितना है। तो ये वन पेज रिपोर्ट है, ये भी बहुत ही अच्छा रिपोर्ट है। उसके बाद मंथली समरी वाला रिपोर्ट देख लेते हैं। ये रहा हर एक लेजर का, हम मंथली समरी देख सकते हैं कि हर महीने में कितना पैसा आया कितना गया। इसके बाद बैंक रिकंसाइलेशन का एक रिपोर्ट है, अकाउंट बुक्स के अंदर यहां पर हमने बनाया हुआ है, ये देखिए, ये है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट जो अब तक हमारे पास मांगा जाता था। तो यहां पर ये डेट वाइज हम सिलेक्ट कर सकते हैं और चेक कौन सा क्लियर हो गया उसकी डेट भी हम डाल सकते हैं। तो ये भी हमने ये सॉफ्टवेयर में नया बनाया है। फिर अदर चार्जेस रिपोर्ट के अंदर सेल समरी देख लेते हैं। ये रहा, ये देखो, ये सेल समरी, डेट वर्सेस आइटम सेल, ये स्क्रीन के अंदर नहीं जाएगा, मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूं ताकि ये स्क्रीन में ऊपर दिखाएगा। अभी ये रहा डेट वर्सेस आइटम सेल, तो ये भी बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है दोस्तों। इसके अंदर कौन सी डेट के अंदर कौन सी आइटम कितनी सेल हुई, ये डिटेल दिखाता है। तो ये फीचर भी बहुत ही अच्छा है। ये देखो, यहाँ डेट वाइज डिटेल आ जाती है, टोटल कितनी सेल हुई और कौन सी डेट में कितनी सेल हुई। तो ये भी एक रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। इसके बाद हम आगे चलते हैं सेटिंग में, इनेबल आउटस्टैंडिंग ट्रैकर। हाँ, ये देखो दोस्तों, यहां पर ये कस्टमर्स के आउटस्टैंडिंग यहां पर स्क्रॉल हो रहे हैं, तो ये भी ऑप्शनल है, आपको चाहिए नहीं चाहिए उसके हिसाब से आप ऑप्शंस के अंदर, सेटिंग के अंदर ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेल करवा सकते हो। स्टॉक रिपोर्ट के अंदर भी बहुत ही बढ़िया फीचर डाला है हमने इस बार, इसकी भी काफी डिमांड थी। यहां पर ये सर्च के अंदर हमने ये डाला हुआ है, आइटम सोल्ड इन डेट रेंज, मतलब कि कौन सी चीज, स्टॉक रिपोर्ट देख लिया, मुझे कौन सी चीज अभी रीऑर्डर करनी है, तो भाई पिछले हफ्ते जो चीज मेरी सेल हो गई है वही चीज मुझे रीऑर्डर करनी है, तो मैं यहां पर टिक करके ओके करूंगा और सर्च दबाऊंगा तो मेरे पास वही प्रोडक्ट आएगी जो सेल हुई है और उसका जो स्टॉक अवेलेबल है वो देख के मैं इमीडिएटली ऑर्डर कर सकता हूं। और इसके अंदर मल्टी फिल्टर तो है ही कि भाई कोई स्पेसिफिक कंपनी की प्रोडक्ट या स्पेसिफिक ग्रुप का प्रोडक्ट ही देखना है तो वो तो सिलेक्शन आने ही वाला है। तो ये रिपोर्ट भी बहुत ही बढ़िया है। न्यू जीएसटी रिपोर्ट, जीएसटी का पूरा अलग से हमने स्लैब बना दिया है। यहां पर GSTR 3B, GSTR 1, GSTR 1 के अंदर सभी रिपोर्ट अवेलेबल है, सब एक्सेल में कन्वर्ट होते हैं और यहां पर जेसन फाइल भी क्रिएट होगी आपकी जो आप अपलोड कर सकते हैं वेबसाइट के ऊपर दोस्तों। तो ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। यहां पर से ईवे बिल का लॉगिन भी कर सकते हो, ये भी एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। इसके बाद हम आगे जाते हैं, टूल्स के अंदर अदर रिपोर्ट्स बनाए हुए हैं। ये देखो, मिसिंग बिल नंबर, सेल्स बिल नंबर, फाइंड मिसिंग रिसिप्ट नंबर, ट्रेस अमाउंट इन लेजर,
ये रिपोर्ट की भी काफी जरूरतें रहती थी कि भाई कौन सा बिल नहीं है, तो वो पता चल जाता है यहां पर से। अब हम आगे चलते हैं रेट सेटिंग। रेट सेटिंग में क्वांटिटी बेस्ड डिस्काउंट हमने बनाया हुआ है। ये देखो कि भाई अबव या अप टू, भाई अबव 5 क्वांटिटी के ऊपर मेरा रेट 100 की जगह 90 हो जाएगा, या स्पेसिफिक 2% का या 5% का डिस्काउंट लग जाएगा क्वांटिटी अबव के ऊपर। तो ये जो स्कीम है ग्रोसरी स्टोर वगैरह जगह पे आप ये चीजें लगती है, जो रिटेल के अंदर लगता है, गारमेंट के अंदर भी ये चीजें लगती है कि भाई 2 शर्ट ले लिया तो तीसरा शर्ट आपको आधी कीमत में मिल जाएगा। तो ये सब चीजें आप यहां पर मैनेज कर सकते हो, क्वांटिटी वाइज रेट बोलते हैं। फिर वीकली रेट सेटिंग है कि भाई हर वेडनेसडे को आपको ये चीजें 2% डिस्काउंट में मिलेगा या 3% डिस्काउंट में मिलेगा, क्योंकि वेडनेसडे को कम रस रहता है तो हम वो चीजों का यूज कर लेते हैं वो आवर्स का। तो ये एक रिपोर्ट है जो बहुत ही बढ़िया है। इसके बाद हम चाहते हैं ऑटो एक्सपेंस रिपोर्ट के अंदर, ये देखो ऑटो एक्सपेंस वाउचर क्या चीज होती है दोस्तों, कि भाई मुझे अभी एक्सपेंस डालने हैं, मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे पता ही है हर महीने मेरा 2-3 हजार का पेट्रोल चला ही जाता है, तो मैं यहां पर ऑटोमेटेड पेट्रोल एक्सपेंस को सिलेक्ट करके यहां पर वो चीज मैं सिलेक्ट कर सकता हूं, और अकाउंट नेम सिलेक्ट करके डेट रेंज मार के मैं यहां पर मिनिमम अमाउंट मैक्सिमम अमाउंट करके यहां जनरेट वाउचर करूंगा तो ऑटोमेटिक उतनी एंट्री हो जाती है दोस्तों। तो ये ऑटो एक्सपेंस वाउचर वाला फीचर भी बहुत ही बढ़िया है। फिर टूल्स के अंदर मल्टी कंपनी, 2-3 कंपनी हो गई तो हमको एक ही कस्टमर का दोनों कंपनियों से परचेज या सेल करता है तो मुझे कंबाइनेड लेजर वगैरह देखना है, आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल आउटस्टैंडिंग पेएबल, तो वो सब चीजें भी मुझे कंबाइनेड दिखती है। तो ये एक रिपोर्ट बहुत ही बढ़िया है। कैलकुलेटर है, मैं कभी भी F11 कीबोर्ड के ऊपर से प्रेस करूंगा तो यहां पर मैं सीधा कैलकुलेशन कर सकता हूं। तो ये एक फीचर है जो लोग मांगते थे, तो ये एक दे दिया। यहां पर हेल्प के अंदर हम देखेंगे दोस्तों कि SMS डेली समरी SMS आपको ये सॉफ्टवेयर के साथ फ्री में मिलेंगे। आपका रोज का जो भी बिजनेस का समरी आपके फोन के ऊपर आ जाएगा, उसके लिए आपको कुछ पे भी करना नहीं है। तो ये है, बाकी के जो SMS है उसका जो अलग से चार्जेस रहेगा वो तो रहेगा। फिर फ्रीज डेटा है, फ्रीज डेटा के अंदर यदि GST भर दिया है तो वो डेटा को लॉक करने की फैसिलिटी है। ऑनलाइन ऑर्डर मैनेजमेंट की ऐप भी हमने बनाई हुई है। टाइमलाइन रिपोर्ट है, भाई यूजर ने, हमने इसको सिक्योरिटी तो दे ही दी है लेकिन यूजर ने कुछ चेंज किया हुआ है, एडिट किया हुआ है, तो वो देखना है तो वो टाइमलाइन में ऑडिट ट्रेल में हम पूरा देख सकते हैं। मर्ज अकाउंट में अकाउंट मर्ज कर सकते हैं। लाइव चैट बहुत ही बढ़िया है दोस्तों, यहां पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये देखो ये व्हाट्सएप वेब सीधा स्टार्ट हो जाता है इस तरीके से। तो ये लाइव चैट है हमारा, तो ये ऑप्शन भी बहुत ही बढ़िया है। आपको इमीडिएटली यहां पर से ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा, सीधा यहां क्लिक करना है, आप व्हाट्सएप वेब से कनेक्ट हो जाओगे, हमको आप चैट करके बताओ क्या दिक्कत है, हम ऑनलाइन ही रहते हैं, आपको तुरंत ही आपको गाइड करेंगे। क्योंकि ये हमारा स्क्रीन है, यहां पर ये व्हाट्सएप हमेशा खुला ही रहता है जिसके अंदर हम इमीडिएटली देख लेते हैं और आपको गाइड करते हैं। एक बार आपका कॉल नहीं लगेगा, एंगेज आ जाएगा, लेकिन व्हाट्सएप पे आपको तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज भी हमने यहाँ सॉफ्टवेयर के अंदर हेल्प के अंदर बना दी है। रीराइट बुक है, सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल है, जब हम सॉफ्टवेयर का ईयर क्लोजिंग के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग का जब फाइलिंग आता है इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह का, तब कुछ फाइलें बैलेंस शीट वगैरह टैली नहीं होती है तो कहां पे एंट्री में प्रॉब्लम है वो सेल्फ डायग्नोस्टिक टूल के अंदर बताता है दोस्तों। उसके बाद हम आगे चले जाते हैं एनी डेस्क, ये देखो यहां पर ही एनी डेस्क दे दिया है, तो आप क्लिक करोगे सीधा आपका एनी डेस्क स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी रिमोट सॉफ्टवेयर है जो आप हमको इमीडिएटली कनेक्ट करके आप हमारा सपोर्ट ले सकते हैं। तो ये सब चीजें हो गई। यहां पर ये देखो हमारी वेबसाइट है, क्लिक करने से वेबसाइट सीधे खुल जाती है। ये हमारा बिलिंग सॉफ्टवेयर .guru और हमारा सॉफ्टवेयर ketan.com, ये वाली वेबसाइट है हमारी, ये सीधा आ जाता है। कॉन्टेक्ट अस है, लाइव चैट है, फीडबैक है, तो ये एक ऑप्शन हमने बनाया हुआ है।
सॉफ्टवेयर के अंदर राइट पैनल के अंदर हमने बनाया हुआ है, यहां पर ये स्विच यूजर है, यहां से आप सीधा यूजर चेंज कर सकते हो। जीएसटी रिपोर्ट है यहां पर, जीएसटी पोर्टल और ईवे बिल के ऊपर भी डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हो। और कलर थीम है कि भाई आपको ये कलर चेंज करना है तो बैकग्राउंड कलर और फॉन्ट कलर, ये जो राइट पैनल है तो आपका ये इमीडिएटली ये चेंज हो जाता है। ये सीधा देखो ये चेंज हो गया। तो इस तरीके से ये सब फीचर्स भी बनाए हुए हैं और बॉटम लाइन के अंदर जो फीचर्स है वो आपको दिखा दिए। तो ओवरऑल ये हमारा सुपर ईआरपी सॉफ्ट, स्पीड मिलेगा, ईमेल आपका ऑटोमेटिक होगा, डेली बिजनेस समरी आएगी, मतलब ये बहुत ही बढ़िया सॉफ्टवेयर है। यदि आपको ये सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड करना है तो आप हमें बताओ, हम हमारा एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर आपको ये सॉफ्टवेयर के अंदर अपग्रेड करके देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you.